दुपट्टे के अमराज कोर्ट सोसाइटी सेक्टर 93A में बने अवैध ट्विन टावर रविवार को मलबे में ढेर हो गए। अब मौके पर पड़े मलबे का क्या किया जाए, इस पर मंथन शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने नोएडा अथॉरिटी को सुझाव भेजा है कि मलबे का इस्तेमाल करके सड़क बना दी जाए। इंजीनियरों का अनुमान है कि जितना मलबा निकला है उससे करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ मौके पर टावर ढाने वाली एजेंसी ने मलबे की छटनी शुरू कर दी है। मलबे से पहले पर्दे निकाले जा रहे हैं, मशीनें मंगा ली गई हैं। मंगलवार से मौके से मलबा ट्रक में भेजा जाना शुरू कर दिया जाएगा। मलबा सेक्टर 80 स्थित अथॉरिटी के वेस्ट प्लांट में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इस प्लांट पर मलबे से इंटरलॉकिंग ईंटों का निर्माण होता है। ट्विन टावर का मलबा हटाने के बाद मौके की जगह साफ हो जाएगी। इस जगह पर क्या बनेगा यह तस्वीर अभी साफ नहीं है। बगल में निकली 7000 वर्ग मीटर ग्रीन बेल्ट को जमीन को अथॉरिटी पार्क नुमा बनाएगी। इस ग्रीन बेल्ट से ही गैस पाइपलाइन भी गुजरती है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक टावर वाली जमीन का मालिकाना हक फिलहाल सुपरटेक बिल्डर का है। ट्विन टावर ढहाए जाने से आसपास की सोसाइटी और एरिया में धूल फैली है। सड़क सोसाइटी पार्क में सफाई नोएडा अथॉरिटी लगातार करवा रही है, इसमें 20 टीमें लगी हुई हैं। सोमवार शाम हुई कुछ देर बारिश से इस धूल से बड़ी राहत मिली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्विन टावर ढहाए जाने के लिए आसपास की एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी खाली करवाई गई थी। टावर के नजदीकी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज के जो टावर हैं, उनके फ्लैट की खिड़कियों के शीशे धमाके की वजह से टूट गए हैं। इनसे धूल भी लोगों के फ्लैट में चली गई है। आपको बता दें कि ट्विन टावर को 3700 किलो विस्फोटक की मदद से ब्लास्ट किया गया था। इतने बड़े ब्लास्ट से आस पड़ोस की एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी के जो टावर हैं, उनके स्ट्रक्चर को लेकर वहां के लोगों में आशंका है। वैसे तो स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ा है, ये एजेंसी की एक्सपर्ट टीम ने निरीक्षण कर बता दिया है। फिर भी 50 मीटर के दायरे में आने वाले टावर का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा। नोएडा अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक यह स्ट्रक्चरल ऑडिट सुपरटेक बिल्डर से 1 सितंबर से शुरू करवाया जाएगा।